फ्रेंड्स, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट जो है मेरे वीडियो पे आते थे और बहुत लोग जो है मुझे इंस्टाग्राम पे भी जो है लोग मैसेज करके पूछते थे कि सर मुझे बताइए कि एक पेट्रोल पंप ओपन करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और यहाँ पे कितना समय लगता है। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि इसके रिगार्डिंग जो है मैं आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो में जो है पूरा क्लेरिफाई करके आपको बताऊंगा। अगर आपको पेट्रोल पंप ओपन करने के लिए अगर यहाँ पे अलॉटमेंट मिलता है तो फ्रेंड्स इसके लिए जो है आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको कितना समय लगने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये सारी चीज़ जानना है तो फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। मैं आपको दावा करता हूँ फ्रेंड्स कि अगर आप ये वीडियो देखिएगा तो आपको पूरा क्लेरिफिकेशन मिल जाएगा कि आपको कितना समय लगने वाला है और आपको क्या क्या इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपको लगने वाला है। और फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि फ्रेंड्स आपको इस चैनल के द्वारा जो है आपको बिजनेस और फ्रेंचाइजी की वीडियो आपको समय समय पर आपको दी जाते हैं। तो चलिए बिना लेट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप है, जितने भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी चाहे IOCL हो, HPCL हो या BPCL कंपनी हो, ये तीनों कंपनी को अगर पेट्रोल पंप अगर डीलरशिप अगर ओपन करना है तो फ्रेंड्स इसके लिए जो है ये तीनों कंपनी अपना विज्ञापन जो है निकालेगी और ये जो विज्ञापन है आपका पेट्रोल पंप डीलर चैन .in पे जो है आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, जब ये विज्ञापन निकालती है तो इसके लिए जो है आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है पेट्रोल पंप डीलर चैन .in पे जाके। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि बिना विज्ञापन का कोई भी पेट्रोल पंप के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। यहां तक आप लोग क्लियर हो गया? तो यहां पे जब कोई भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी अपना विज्ञापन निकालती है और उसके लिए आप अप्लाई करते हैं, जब अप्लाई करने के बाद जब उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फ्रेंड्स उसके बाद जो है आपको यहां पे देख रहे हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी की तरफ से जो है आपको 8 से 10 दिन का समय दिया जाता है सिक्योरिटी डिपॉजिट करने के लिए। फ्रेंड, जब आप ये सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हैं तो उसी के अगेंस्ट में जो है यहाँ पे आपको LOI इशू किया जाता है ऑयल मार्केटिंग कंपनी की तरफ से, यानी कि लेटर ऑफ इंटेंट जो है आपको इशू किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सिक्योरिटी अमाउंट कितना होना चाहिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप रेगुलर रिटेल आउटलेट ओपन करते हैं, यानी कि अगर आप नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे या अगर आप सिटी में ओपन करते हैं तो उस केस में जो है यहाँ पे अलग सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट यहाँ पे रहेगा। अगर आप रूरल एरिया में ओपन करना चाहते हैं रिटेल आउटलेट किसी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी का, तो उसके लिए यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट जो है यहाँ पे अलग है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रूलर के लिए जो SC ST कैटेगरी उसके लिए 2 लाख है, OBC के लिए 3 लाख है और जनरल के लिए 4 लाख है। और रेगुलर के लिए फ्रेंड्स, यानी कि नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे या सिटी के लिए यहाँ पे SC ST के लिए 3 लाख है, OBC के लिए 4 लाख है, जनरल के लिए 5 लाख। यानी फ्रेंड्स यहाँ पे जब आप सिक्योरिटी डिपॉजिट आप कर देते हैं यहाँ पे कंपनी में, तो उसके बाद कंपनी की तरफ से जो है आपको लेटर ऑफ इंटेंट यानी कि LOI जो है इशू किया जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स LOI का कॉपी किस प्रकार से होता है। तो आप यहां पे जो है देख सकते हैं, ये जो है आपका 2014 वैकेंसी का जो है LOI है, तो ये HPCL कंपनी का। तो आप देख सकते हैं जब भी आपका LOI इशू होगा तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से आपका इशू होगा। देख रहे हैं लेटर ऑफ इंटेंट लिखा हुआ है फॉर प्रपोज MS यानी कि मोटर स्पीड जिसको पेट्रोल बोलते हैं, फिर उसके बाद HSD यानी कि हाई स्पीड डीजल, ठीक है, रिटेल आउटलेट डीलरशिप एट लोकेशन, यहाँ पे जो है लोकेशन पूरा दिया गया है और यहाँ पे कैटेगरी दिया गया यानी कि SC कैटेगरी का जो है ये लेटर ऑफ इंटेंट है यानी कि LOI कॉपी है। ठीक है, मैं आपको OBC कैटेगरी का भी जो है यहाँ पे LOI कॉपी आपको दिखाने वाला हूँ, जस्ट अ मिनट। फ्रेंड्स, ये जो है आपका IOCL कंपनी का जो है लेटर ऑफ इंटेंट है यानी कि LOI का कॉपी है। जो कैटेगरी यहाँ पे देख सकते हैं ये OBC कैटेगरी का ये LOI कॉपी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है LOI में जो है बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे पूरे सारे दिए रहते हैं कि आपके पास में जो भी लैंड एरिया है उसका आपको बाउंड्री करना पड़ेगा, सॉइल फिलिंग करना पड़ेगा और बाउंड्री जो भी आप करवाएंगे वो कितना मीटर का होना चाहिए, ये सारा चीज़ जो है इसमें मेंशन किया रहता है। उसके बाद जो है यहाँ पे LOI कॉपी में बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन जो दिए रहते हैं, तो फ्रेंड्स आपको इसी टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है आपको चलना पड़ता है और यहाँ पे आपको लाइसेंस का कितना फी लगेगा वो सारा डिटेल जो है इसी LOI कॉपी में दिया रहता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइसेंस फी का जो है यहाँ पे जिक्र किया गया है। उसके बाद आप OBC कैटेगरी में यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ भी कहीं ना कहीं आपको लाइसेंस फी जो है आपको देखने को मिलेंगे, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइसेंस फी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, कितना आपको पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको अपने प्रीमाइसेस पे जो है क्या क्या चीज़ की फैसिलिटी जो है आपको वहाँ पे अवेलेबल कराने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ जो है यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब करके दिया रहेगा। तो फ्रेंड्स आपको जो है इसी LOI के टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है आपको चल के जो है आपको पूरा अपने रिटेल आउटलेट को डेवलप करना पड़ेगा। यहाँ तक आप लोग क्लियर है? तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ बता दूँ कि LOI मिलने तक जो है आपका 2.5 लाख से लेके 5.5 लाख तक जो है आपका खर्चा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे जो मिनिमम खर्च है वो 2 लाख का है और जो मैक्सिमम है वो 5 लाख है। उसके बाद जो है इसमें ऑफिशियल खर्च भी जो है आपका 50,000 इसमें मैंने इंक्लूड किया है, तो वो आपका खर्चा होता है यहाँ पे। ठीक है, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं, पर वो इनडायरेक्ट वे में आपका खर्च होता है। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब आपको LOI मिल जाता है तो उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। फ्रेंड, जब आपको LOI जो है कंपनी की तरफ से मिल जाता है तो उसके बाद जो है आपको LOI में जो भी टर्म एंड कंडीशन लिखे रहता है
है तो उसी के अनुसार जो है आपको अपने लैंड एरिया में डेवलपमेंट करना पड़ता है। तो सबसे पहला जो स्टेज होता है डेवलपमेंट का, वो आपका बाउंड्री वॉल होता है एरिया का। अगर आपका एरिया जो है कुछ गड्ढा में है या उसका लेवल जो है काफी ज्यादा नीचे है, तो फ्रेंड्स वहां पे आपको सॉइल फिलिंग भी आपको करवाना पड़ता है। तो यहां पे देख सकते हैं कि मैंने यहां पे पूरा हिंदी में लिखा है ताकि फ्रेंड्स आप लोगों को जो है काफी ज्यादा समझ में आ सके कि जमीन की तरफ से 1.5 मीटर ऊंचाई तक की बाउंड्री और सड़क के लेवल से थोड़ा ऊपर तक मिट्टी की भराई। यानी फ्रेंड्स यहां पे आपके पास में जो भी स्पेस एरिया होगा जहां पे आप पेट्रोल पंप सेटअप करना चाहते हैं, तो उसके 3 साइड में जो है आपको बाउंड्री वॉल कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और उसका जो हाइट है बाउंड्री वॉल का उसको आपको 1.5 मीटर आपको रखना पड़ेगा। यहां तक आप लोग क्लियर है? उसके बाद अगर आपका लैंड एरिया अगर उसका लेवल जो है रोड से नीचा है, तो फ्रेंड्स वहां पे आपको सॉइल फिलिंग भी आपको कराने पड़ेंगे। तो सॉइल फिलिंग जो है उसका लेवल क्या होगा, यहां पे देख सकते हैं मैंने जिक्र किया है कि सड़क के लेवल से थोड़ा ऊपर तक मिट्टी की भराई आपको करनी पड़ेगी। यहां तक क्लियर है? तो फ्रेंड्स इसमें जो है आपका समय 2 से 3 महीना आपका लग जाता है और इसमें जो इन्वेस्टमेंट है आपका 8 से 10 लाख रुपए आपका यहां पे लग जाता है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे जब आप यहां पे अपने स्पेस एरिया में बाउंड्री आप कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं और सॉइल फिलिंग भी आप करवा लेते हैं, तो उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। फ्रेंड्स यहां पे देख सकते हैं कि इसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप है आपको एनओसी के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स एनओसी के लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे, तो यहां पे जो है आपको फॉरवर्डिंग लेटर पहले आपको बनाना पड़ेगा, उसमें जो है आपको एलओआई कॉपी जो है आपको अटैच करने पड़ेंगे। उसके बाद जो है आपको उसमें लैंड के सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको अटैच करने पड़ेंगे विद प्रॉपर ड्रॉइंग, यानी फ्रेंड्स उसमें ड्रॉइंग का भी कॉपी होना चाहिए। उसको जो है आपको यहां पे आपके डिस्ट्रिक्ट जो भी डीएम होंगे उसको आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो यहां पे देख रहे हैं कितने डिपार्टमेंट से जो है आपको यहां पे एनओसी लेने पड़ेंगे। ये सारे डिपार्टमेंट मैंने यहां पे लिख दिया है और यहां पे हर एक डिपार्टमेंट का मैंने यहां पे हिंदी में भी लिख दिया है ताकि फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से यहां पे समझ में आ सके। तो यहां पे जो सबसे पहला आपका जो लेटर है वो आपके डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में आपका जाएगा। तो फ्रेंड्स जो आप अपना लेटर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास देंगे, तो फ्रेंड्स वही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है आपके लेटर को जो है ये सारे डिपार्टमेंट जो है आपको सेंड करेगा। तो फ्रेंड्स यहां पे देख सकते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट जो है आपके लेटर को फॉरवर्ड किया जाएगा। यहां पे दूसरा जो डिपार्टमेंट है एसडीएम है जो कि तहसील लेवल पे होता है। उसके बाद जो है एसपी को जो है यहां पे भेजा जाएगा। एसडीएम जो है आपके लैंड एरिया के बारे में बताता है कि वहां पे किसी प्रकार का कोई विवादित जमीन है कि नहीं है, ये सारा चीज का इन्फॉर्मेशन वही देता है। उसके बाद जो है आपके लेटर को जो है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड किया जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से जो है ये मांग किया जाएगा कि आप बताइए कि जो भी स्पेस एरिया यानी जो भी लैंड एरिया पे ये पेट्रोल पंप ओपन हो रहा है वहां पे किसी भी प्रकार का कोई भी हाई टेंशन वायर गुजरा है कि नहीं है, ये चीज का जो एनओसी है आपको इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट यहां पे आपको देंगे। उसके बाद जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास में जो है आपका पेपर जाएगा। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले ये लिख के देंगे भैया कि इनका जो जमीन है कोई भी किसी भी प्रकार का कोई वहां फॉरेस्ट नहीं, ना ही किसी प्रकार का फॉरेस्ट का लैंड है वहां पे, ठीक है। उसके बाद जो आपका लेटर है फायर डिपार्टमेंट और सिटी गैस ऑथोरिटी डिपार्टमेंट में भी जो है आपका जाता है, वहां से भी जो है आपको एनओसी लेने पड़ते हैं। उसके बाद आपका लैंड एरिया अगर पीडब्ल्यूडी अगर डिपार्टमेंट में फॉल करेगा तो फ्रेंड्स आपको पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से आपको एनओसी लेने पड़ेंगे। अगर आपका लैंड एरिया अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी में अगर फॉल करता है तो फ्रेंड्स वहां से जो है आपको एनओसी लेने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स यहां पे जो है कुछ रूल्स मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि यहां पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी का जो रूल्स है काफी ज्यादा बड़ा है, तो मैं उसको किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करूंगा। तो फ्रेंड्स मैंने यहां पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी का 3 जो है मेन रूल मैंने यहां पे कवर किया है। जो पहला रूल है यहां पे 100 मीटर के अंदर जो है कोई भी कट नहीं होना चाहिए और 300 मीटर के अंदर जो है कोई भी यू टर्न नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ 1 किलोमीटर के अंदर जो है कोई भी टोल प्लाजा नहीं होना चाहिए, ना ही किसी प्रकार का कोई भी स्टेट शेयरिंग बाउंड्री होना चाहिए। फ्रेंड्स अगर आपका लैंड एरिया अगर इस रूल को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आपको नेशनल हाईवे अथॉरिटी से आपको एनओसी नहीं दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो है आपको दूसरा लैंड का जो है आपको व्यवस्था करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स उसके बाद जो डिपार्टमेंट है आपका यहां पे एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट से जो है आपको एनओसी लेने पड़ते हैं। उसके बाद जो है आपको एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट से जो है यहां पे आपको लाइसेंस लेने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पे जो है आप लोगों को क्वेश्चन हुआ कि इसमें जो है आपका कितना समय जाता है और कितना इन्वेस्टमेंट आपको लगता है। तो फ्रेंड्स इसके लिए जो है आपको 4 से 6 महीने का आपको पूरा समय लग जाता है अगर आप ये काम जल्दी करवाएंगे तो, नहीं तो फ्रेंड्स इसके लिए जो है बहुत लोगों का 1 साल भी लग गया है, मैंने ऐसा देखा है केस, ठीक है। और फ्रेंड्स इसमें जो आपका इन्वेस्टमेंट है आपको 8 से 10 लाख रुपए यहां पे आपका टोटल इन्वेस्टमेंट लगने वाला है। मैंने यहां पे 5 से 8 लाख रुपए लिख दिया क्योंकि फ्रेंड्स ये जो है मैंने अपने एरिया के हिसाब लिखा है, पर इसका जो खर्च है अराउंड जो है 10 लाख के अराउंड चल जाता है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये सारे डिपार्टमेंट से एनओसी लेने के लिए जो है कोई भी ऑफिशियल खर्च नहीं होते हैं, पर यहां पे आप लोगों को पता होगा कि अनऑफिशियल खर्च कितने होते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग मैंने यहां पे इन्वेस्टमेंट लिखा है कि फ्रेंड्स अगर आप ये सारे डिपार्टमेंट से एनओसी लेने जाएंगे तो फ्रेंड्स आपको कहीं ना कहीं 8 से 10 लाख रुपए का यहां पे आपका इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। क्लियर यहां तक? तो फ्रेंड्स अब हम लोग यहां पे देखेंगे कि जब आप ये सारे डिपार्टमेंट से आप एनओसी ले लेंगे तो उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। फ्रेंड्स यहां पे अगर आपका लैंड एरिया अगर एग्रीकल्चर लैंड एरिया है तो उसको आपको पहले नॉन एग्रीकल्चर लैंड एरिया में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी फ्रेंड्स यहां पे आपको जो है चेंज इन लैंड यूज डिपार्टमेंट को जो है आपको
कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। फ्रेंड जब आप यहाँ पे अपने एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर लैंड में आप कन्वर्जन करेंगे तो फ्रेंड्स इसके लिए जो आपका टाइम लगेगा 1 से 2 महीना समय लग जाएगा और इसमें जो खर्च है आपको 1 लाख तक जो है आपको आने वाला है। जैसा कि मैं आपको बता दिया हूँ कि फ्रेंड्स इसमें कोई भी ऑफिशियल खर्च नहीं होती है, यहाँ पे जो भी मैं खर्च बता रहा हूँ ये आपका अनऑफिशियल खर्च है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे काउंट करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने क्या लिखा है कि जब आप अपने लैंड एरिया में सॉइल फिलिंग करवा लेते हैं, बाउंड्री वहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन करवा लेते हैं, उसके बाद जो है आप ये सारे डिपार्टमेंट से जो है एनओसी भी ले लेते हैं और आप अपने लैंड एरिया को जो है यहाँ पे नॉन एग्रीकल्चर लैंड में आप कन्वर्ट भी कर देते हैं, तो उसके बाद का क्या प्रोसेस रहेगा यहाँ पे मैंने पूरा लिखा है स्टेप बाय स्टेप, तो आप इसको अच्छे तरीके से रीड कर लेंगे। ऑयल मार्केटिंग कंपनी को इन्फॉर्म करना होगा बाय लेटर, यानी फ्रेंड्स आपने जो जो काम करवा लिए हैं ना तो उसको जो है आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा अपने ऑयल मार्केटिंग कंपनी को, ठीक है। फ्रेंड जब आप यहाँ पे ऑयल मार्केटिंग कंपनी को आप इन्फॉर्म कर देंगे तो उसके बाद जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनी का अधिकारी आएगा और आपके लैंड एरिया का जो है इंस्पेक्शन करके वहां से जाएगा। फ्रेंड जब आपका यहाँ पे एरिया का इंस्पेक्शन हो जाएगा तो फ्रेंड्स उसके बाद जो है आपको ऑयल मार्केटिंग कंपनी की तरफ से जो है आपको टैंक डिस्पेंसिंग मशीन उसके अलावा जो भी और इक्विपमेंट्स होते हैं तो वो कंपनी जो है आपको प्रोवाइड करेगी, जो भी आपने सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट किया ना उसी के अगेंस्ट में जो है ये सारी मशीन जो है कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। क्लियर आता है फ्रेंड, जो भी मशीन का लाने का खर्च होगा तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है यहाँ पे कंपनी ही बियर करती है, उसके बाद ये सारे मशीन का जो सेटअप होगा तो फ्रेंड्स ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है अपना इंजीनियर जो है भेजती है और वो सारे इंजीनियर जो है ये सारे मशीन को सेटअप करके आपको प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने क्या लिखा है कि टैंक और मशीन को लाने के लिए ट्रांसपोर्ट खर्च कंपनी ही देती है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये टैंक जो है आपका सेटअप हो रहा है अंडरग्राउंड में, ठीक है। तो इसके लिए जो समय है 4 से 6 महीने का लग जाता है और इसमें जो इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, यानी कि इसमें आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है, क्योंकि फ्रेंड्स आप ये सारे के अगेंस्ट में पहले ही आपने सिक्योरिटी अमाउंट अपने कंपनी में सबमिट कर दिया है, तो आपके सिक्योरिटी के अगेंस्ट में जो है ये सारे मशीन आपको दिए जाते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो फ्रेंड जब आपको यहाँ पे कंपनी तरफ से आपको टैंक और डिस्पेंसिंग मशीन आपको दे दिए जाते हैं तो इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? फ्रेंड जब आपको कंपनी टैंक और डिस्पेंसिंग मशीन आपको प्रोवाइड करती है तो उसके बाद जो है कंपनी आपको जो है सेल्स रूम और टॉयलेट जो है वहां पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए बोलती है, इसके अलावा जो जो फैसिलिटी होगी वो सारे कंस्ट्रक्शन करने के लिए वहां पे कंपनी आपको बोलेगी। फ्रेंड्स इसके लिए जो है कंपनी आपको लेआउट जो है डायग्राम भी जो है आपको प्रोवाइड करेगी, तो उसी के अनुसार जो है आपको यहां पे सेल्स रूम और टॉयलेट उसके अलावा और भी जो भी एमिनिटीज रहेगी वो आपको वहां पे डेवलप करने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहां पे लेआउट का जो है एक ड्रॉइंग आपको सिंपल में दिखा देता हूं। फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं कि ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी का जो है लेआउट प्लान है जो कि मेवाट हरियाणा का है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है आपका गुड़गांव टू अलवर जो है ये नेशनल हाईवे है और इधर जो है अलवर जाता है और इधर जो है गुड़गांव जाता है, उसके बाद यहाँ पे जो है ये एंट्रेंस बनाया गया है और ये जो है एग्जिट है, ठीक है। और यहाँ पे जो है मट्टी का थोड़ा सा डिस्टेंसली रोड है ये, उसके बाद यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि क्या है, यहाँ पे 3 डिस्पेंसिंग यूनिट जो है यहाँ पे जो है लेआउट डायग्राम में दिखाए गए, ठीक है। पहला डिस्पेंसिंग यूनिट है, दूसरा, तीसरा, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे जो है ये सेल्स रूम बनाया गया है और यहीं पे जो है आपका एक टॉयलेट का भी कंस्ट्रक्शन किया गया है। उसके बाद जो है यहाँ पे ड्राई सैंड बकेट्स यहाँ बनाया गया है और यहाँ पे जो है कर्व वॉल बनाया जाता है। इसके अलावा जो है यहाँ पे देख सकते हैं बाउंड्री वॉल का सेक्शन पूरा दिया गया है, यहाँ पे कर्व वॉल का यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है कि यानी कि आपको कितना हाइट रखना है कितना नहीं रखना है। फ्रेंड्स ये सारे चीज़ जो है आपका लेआउट प्लान में जो है आपका मेंशन किया रहता है, तो फ्रेंड्स आपको लेआउट प्लान के हिसाब से जो है आपको अपने लैंड एरिया को डेवलप करना पड़ता है। यहाँ तक आप लोग क्लियर है? तो फ्रेंड्स अब जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसी प्रकार से यहाँ पे लिखा है, कंपनी नक्शा देगी सेल्स रूम कहाँ होगा, टॉयलेट कहाँ बनेगा और उसका डायमेंशन क्या होगा, यानी कि फ्रेंड्स आपको कितने डायमेंशन का सेल्स रूम बनाना है और टॉयलेट बनाना है वो भी उसमें जिक्र किया रहेगा, ठीक है। कंपनी के नक्शे के अनुसार शोरूम बिल्डिंग और शौचालय का निर्माण करना होगा, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं कंपनी के अधिकारी समय समय पर आकर चेक करते रहेंगे या फोन से भी अपडेट लेते रहेंगे। तो फ्रेंड्स इसके लिए जो टाइम आपका लगेगा 2 से 3 महीना लगेगा। उसके बाद इसके लिए जो आपका इन्वेस्टमेंट है आपको 6 से 8 लाख रुपए यहाँ पे आपका आने वाला है। तो फ्रेंड जब आप यहाँ पे सेल्स रूम उसके बाद टॉयलेट आप जो कंस्ट्रक्शन कर देंगे तो उसके बाद जो है आपको जो है अपने स्पेस एरिया में जो है आपको ड्राइववे कैनोपी उसका जो है यार्ड लाइट का जो है आपको कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यानी कि फ्रेंड्स देख सकते हैं गाड़ियों के आने जाने के लिए ड्राइववे और इंटरलॉकिंग या आरसीसी तथा बारिश से बचने के लिए कैनोपी और रात्रि प्रकाश के लिए यार्ड लाइट का निर्माण आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपका फ्लोरिंग दिख रहा है तो फ्रेंड्स इसी को जो है हम लोग यहाँ पे ड्राइववे बोलते हैं। उसके बाद जो है आपको कैनोपी का आपको यहाँ पे डेवलपमेंट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स ये ऊपर जो शेड दिख रहे हैं इसी को जो है कैनोपी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं ये सारे जो है यार्ड लाइट यहाँ पे लगाएगा और ये जो है आपका ब्रांड बोर्ड यहाँ पे लगाएगा। तो फ्रेंड्स ये सारे का जो है आपको उसके बाद का कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इसके लिए जो है आपका समय जो है 4 से 6 महीना आपका यहाँ पे लगने वाला है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है
अलग अलग मैंने लिख दिया कि कैनोपी के लिए जो है आपको 15 लाख का आपको यहाँ पे लगने वाला है। फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैंने कैनोपी का इन्वेस्टमेंट लिखा है फ्रेंड्स, ये डिपेंड करता है कि आप कितने एरिया में यानी कितने स्क्वायर फीट एरिया में जो है आप कैनोपी का डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो है एक एवरेज प्राइस जो है 15 लाख मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको ड्राइववे और यार्ड लाइट भी जो है आपको यहाँ पे डेवलप करने पड़ेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 10 लाख का मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कंसिडर किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल अगर इन्वेस्टमेंट देखें तो आपको 25 लाख का आपको इन्वेस्टमेंट जो है आपको ड्राइववे, कैनोपी और लाइटिंग में यहाँ पे आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है ये आपका 30 लाख तक भी जो है आपका जा सकता है। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका एरिया जो है कितने स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। क्लियर यहाँ तक फ्रेंड? जब आप यहाँ पे केनोपी, यार्ड लाइट और ड्राइव जो है आप यहाँ पे डेवलप कर लेते हैं, उसके बाद जो आपका रिटेल आउटलेट होगा तो वहाँ पे जो है कुछ जरूरी मशीनें जो है आपको वहाँ पे सेटअप करने पड़ेंगे। जैसे कि वहाँ पे जो है साइलेंट जनरेटर जो है 20 kVA का जो है आपको वहाँ पे अवेलेबल कराने पड़ेंगे। उसके बाद जो है वहाँ पे सोलर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी जो है आपको वहाँ पे करने पड़ेंगे। उसके बाद जो है वहाँ पे एयर फिलिंग मशीन जो है आपको वहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा। वाटर कूलर भी जो है वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर के लिए वहाँ पे आपको सेटअप करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये सारे मशीन में जो है आपको 5 से 8 लाख रुपया आपका खर्च आने वाला है। फ्रेंड जब यहाँ पे आप ये सारे मशीन को जब आप यहाँ पे अवेलेबल करवा देते हैं अपने रिटेल आउटलेट में, तो उसके बाद जो है आपको वर्किंग कैपिटल होना चाहिए आपके पास में अराउंड 41 लाख रुपीस। यानी फ्रेंड्स ये 41 लाख रुपीस क्यों लगेगा मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स आपका जो भी रिटेल आउटलेट है वहाँ पे जो है आपने अंडरग्राउंड में जो है टैंक आपने सेटअप किया है 20,000 लीटर का और 20,000 लीटर का, तो उसमें जो है आपको वहाँ पे स्टॉक रखना पड़ेगा पेट्रोल और डीजल का। उसके लिए जो है आपके पास में वर्किंग कैपिटल जो है 41 लाख रुपए का होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं पेट्रोल के लिए जो है आपको 21 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे और यहाँ पे डीजल के लिए जो है आपको 20 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। फ्रेंड्स ये जो प्राइस है मैंने आज के हिसाब से लिखा है, यानी कि फ्रेंड्स अभी 108 रुपये के अराउंड चल रहा है, तो उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स जब आप अपने रिटेल आउटलेट में यहाँ पे पेट्रोल और डीजल का जब आप स्टॉक जब आप अरेंज कर लेंगे, तो उसके बाद जो है आपका डिस्पेंसिंग मशीन से ये पेट्रोल और डीजल गिरने से पहले जो है आपको 2 डिपार्टमेंट से जो है आपको परमिशन लेने पड़ते हैं। फ्रेंड्स वो 2 डिपार्टमेंट कौन से हैं मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर यानी कि DSO, उसके बाद वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट। फ्रेंड्स ये दोनों डिपार्टमेंट से जो है आपको यहाँ पे सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है, तभी जाकर जो है आप पेट्रोल और डीजल का जो है आप सेल कर सकते हैं अपने रिटेल आउटलेट से। फ्रेंड्स यहाँ पे जो DSO है वो आपको पेट्रोल और डीजल का जो है यहाँ पे बिक्री हेतु यानी कि सेल करने के लिए जो है यहाँ पे आपको प्रमाण पत्र जो है आपको प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट होता है जिसको हिंदी में हम लोग नाप तोल विभाग बोलते हैं, फ्रेंड्स वो जो है आपके जितने भी मशीन लगे रहेंगे रिटेल आउटलेट में, तो वो सारे का जो है पूरा मेजरमेंट सही है कि नहीं उसका प्रमाण पत्र वो आपको देते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए जो आपका समय है 1 महीना समय लग जाता है, और इसमें जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो आपका 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक जो है आपका इसमें खर्च आता है। फ्रेंड्स इसमें कोई भी आपका ऑफिशियल खर्च नहीं है, ये सारा अनऑफिशियल खर्च मैंने यहाँ पे लिखा है। क्लियर यहाँ तक फ्रेंड्स? जब आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर से उसके बाद वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट से जब आपको यहाँ पे प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेशन मिल जाता है, तो उसके बाद जो है आप अपने पेट्रोल पंप से जो है आप डीजल और पेट्रोल का आप सेल स्टार्ट कर सकते हैं। यानी फ्रेंड्स उस दिन से जो है आपका सेल स्टार्ट हो जाएगा आपके रिटेल आउटलेट से। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम लोग टोटल समरी देखें कि आपको पेट्रोल पंप सेटअप करने में कितना आपको खर्च लगता है और कितना समय लगता है, तो इसका मैंने पूरा यहाँ पे समरी मैंने दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो LOI है आपको LOI लेने में जो है आपको 1 महीने का आपको समय लगता है, जिसमें आपको 2 से 5 लाख रुपया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपका लग जाता है। उसके बाद जो है आपको सॉइल फिलिंग और बाउंड्री यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो है 2 से 3 महीने का समय लगता है, जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट जो है 8 से 10 लाख रुपए यहाँ पे आपका लगता है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे NOC जो है डिपार्टमेंट से लेने के लिए आपको 6 महीने का समय लगेगा, जिसमें आपका 8 लाख रुपए जो है आपका खर्च आ जाएगा। उसके बाद अगर आपका चेंज इन लैंड यूज डिपार्टमेंट से जो आपका लैंड का कन्वर्जन होगा, तो उसके लिए जो है आपको 1 से 2 महीने का समय लगता है, जिसमें आपका 1 लाख तक जो है आपका इन्वेस्टमेंट लग जाता है। उसके बाद टैंक एंड मशीन जो है आपको कंपनी प्रोवाइड करती है, तो इसमें जो है आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा, बस इसके लिए जो आपका समय है 4 से 6 महीने समय लग जाता है। उसके बाद जो है आपको अपने प्रीमाइसन जो है सेल्स रूम और टॉयलेट का जो है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, जिसके लिए आपको 2 से 3 महीने का समय लगता है, जिसमें आपको 6 से 8 लाख रुपए आपको खर्च करने पड़ते हैं। उसके बाद जो है आपको वहां पे ड्राइववे, कैनोपी और लाइटनिंग का जो है डेवलपमेंट करना पड़ता है, जिसके लिए आपको 4 से 6 महीने का समय लगेगा, जिसमें आपका 25 से 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। उसके बाद जो है आपको जनरेटर और कुछ अदर मशीन जो है आपको वहां पे जो है सेटअप करने पड़ेंगे, जिसके लिए जो है आपको 5 से 8 लाख रुपए यहां पे खर्च आ जाएगा। उसके बाद जो है आपको पास में वर्किंग कैपिटल 40 से 41 लाख रुपए का होना चाहिए। उसके बाद जो है आपको DSO यानी कि डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर और वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट से जो आपको प्रमाणित पत्र मिलता है, उसके लिए जो है आपको 1 महीना समय लगता है, और जिसमें आपका खर्च है 1 लाख रुपए तक आता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस जो है 5 लाख रुपए मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप टोटल समय देखें तो आपको यहाँ पे 1.5 से 2 साल तक जो है आपका समय लगता है एक पेट्रोल पंप सेटअप करने के लिए, और इसमें जो खर्च है आपका
96 लाख से लेकर 1,20,00,000 तक जो है आपका खर्च यहाँ पे आपको आने वाला है। फ्रेंड्स, ये जो इन्वेस्टमेंट है मैंने आज के हिसाब से और मैंने झारखंड लोकेशन के लिए जो है मैंने ये बताया है। हो सकता है कि ये जो खर्च है यानी कि जो ये इन्वेस्टमेंट है आपके डिस्ट्रिक्ट या आपके स्टेट में जो है कुछ वेरी कर सकता है, 10% जो है आपका आगे पीछे हो सकता है। बाकी ये जो मैंने खर्च बताया ये आपका प्रॉपर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इतना ही आपका लगने वाला है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैंने इन्वेस्टमेंट बताया है ये आपका पेट्रोल और डीजल का रिटेल आउटलेट सेटअप करने के लिए बताया है। इसमें मैंने आपका बैटरी चार्जिंग स्टेशन इंक्लूड नहीं किया है, ना ही सीएनजी स्टेशन मैंने इंक्लूड किया है, ठीक है। तो ये चीज़ का जो है आप खास ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा कि आपको जो है पेट्रोल पंप ओपन करने के लिए जो है यहाँ पर आपको कितना समय लगता है और कितना इन्वेस्टमेंट आपको लगता है। तो फ्रेंड्स, फिर भी अगर आप लोगों को इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन तो आप लोग मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का जरूर जवाब दूंगा। तो फ्रेंड्स, और वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि फ्रेंड्स जिन लोगों को नहीं जानकारी है उन लोगों को जानकारी हो सके। बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।